स्टक हो गया. मैंने कहा यार मैं इनके बच्चों के लिए और पानी. अब बहुत अच्छी हम थाई करी बनाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. थाई जिंजर, थाई जिंजर. और तो अब हम बनाएंगे थाई करी का पेस्ट और अब हम डालने वाले हैं. हेलो गाइस, तो अभी मैं उठी हूँ. गुड मॉर्निंग. और मैं पी रही हूँ अपना रेड वेजिटेबल जूस. तो क्या हुआ था कल, चलो अभी मैं आपको वो स्टोरी नहीं बताऊंगी. पहले उन लोगों का सामान आने देते हैं, फिर आपको मैं पूरी स्टोरी बताती हूँ. गाइज, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था कल. तो जो मेरे घर पे हेल्पर्स भैया काम करते हैं, उनमें से दो हेल्पर भैया ने कहा था कि ये जो आपने बलून्स लगाए हुए हैं, क्या ये आपके यूज़ के हैं, क्योंकि मेरे बच्चे हैं घर पे तो मुझे उनके लिए चाहिए, तो मैं ले जाऊँ. तो वो चीज़ ना मुझे फील हो गई और मैंने कहा कि यार इन लोगों की खुशियाँ इतनी छोटी छोटी होती हैं कि इनके इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं. तो दिवाली का टाइम है, हमें खुशियाँ फैलानी चाहिए. तो जैसे ही उन्होंने बोला ना कि यार हमारे बच्चे हैं दो दो तीन तीन, तो मुझे उनके लिए ये गुब्बारे चाहिए कि वो खेल पाएं. तो मेरे दिमाग में ना ये कल से ना स्टक हो गया. मैंने कहा यार मैं इनके बच्चों के लिए कुछ ऑर्डर करूंगी. तो मैंने अभी ही ऑर्डर अपना प्लेस करा है. तो इनके लिए चॉकलेट्स आ रही हैं, स्केच पेन्स आ रहे हैं, टॉयज आ रहे हैं, बहुत कुछ मैंने बल्क में मंगवा दिया. मैंने कहा आज दोनों भैया को दूंगी कि आप अपने घर जाओ और उनको बोलो हैप्पी दिवाली अपने बच्चों को. आप अपनी साइड से दो उनको, कहो कि उनके पापा मम्मा लाए उनके लिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो एक इंसान की ना लाइफ को बिल्कुल ही खुश, मतलब हैप्पी कर देती है. तो हमें हमेशा कुछ अच्छा करना चाहिए. तो बस अभी मुझे उनका फ़ोन आया था डिलीवरी वाले भैया का कि मैं आ गया हूँ, तो मैं बस उनके पास पैसे लेके जा रही हूँ. तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ. तो गाइज ये सब आ गया है पप्पू भैया और बबलू भैया के बच्चों के लिए. आई होप उनको बहुत खुशी मिले ये देख कर. और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम सबको खुशी देती हैं, तो बस खुशियाँ फैलानी चाहिए. हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. तो आज हम बनाने वाले हैं रेड थाई करी विद थाई उडोन नूडल्स. तो थाई उडोन नूडल्स तो हमने मंगवा के रखे हुए हैं फ्रॉम ब्लिंकिट एंड वी आर गोना बॉयल देम. उसके बाद हम बनाएंगे रेड थाई करी. उसकी रेसिपी मैं अभी डालने वाली हूँ. रेड थाई करी बहुत ही ईजी होती है, उसमें कुछ भी नहीं लगता है. यू ओनली नीड अनियंस, फ्रेश रेड चिली और नॉर्मल रेड चिली बस, और सिर्फ कोकोनट मिल्क और पानी. अब बहुत अच्छी हम थाई करी बनाने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. तो थाई करी के लिए हमें सबसे कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुछ भी ज़्यादा नहीं चाहिए. हमें चाहिए बॉयल्ड वेजिटेबल्स. तो आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है आप उनको बॉयल कर सकते हो. हमने इसमें करा हुआ है ब्रोकली, मशरूम, कैप्सिकम को बॉयल. और आपको चाहिए लेमन ग्रास बहुत सारी. और ये क्या होता है भैया? थाई जिंजर. थाई जिंजर, ये है थाई जिंजर. थाई जिंजर. और चाहिए हमें कोकोनट मिल्क. और हमें चाहिए टोफू, क्योंकि हम टोफू डालेंगे एंड में जब हमारी थाई ग्रीन करी बन जाएगी. आओ इधर आओ. फिर उसके बाद ये दिखाओ, हमें चाहिए थोड़े से प्याज, एक कैप्सिकम, लहसुन, बहुत सारा लहसुन. और हमें चाहिए सूखी हुई लाल मिर्च. तो अब हम उसका पेस्ट बनाने वाले हैं. तो अब मैं आपको, हाँ ये रही सूखी हुई लाल मिर्च. तो हम अब उसका पेस्ट बनाने वाले हैं और वो पेस्ट मैं अब आपको दिखाती हूँ. तो अब हम बनाएंगे थाई करी का पेस्ट और ये है थाई रेड करी. तो इसके अंदर जाएगा बहुत सारा प्याज, एज यू कैन सी, बहुत सारा लहसुन. अब हम डालेंगे इसके अंदर रेड कैप्सिकम. तो हम कैप्सिकम को काट लेंगे. और फिर हम इसमें डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमें रेड पेस्ट बनाने हैं, ग्रीन थाई करी हम नहीं बना रहे हैं. और डालेंगे थोड़ा सा अदरक. फिर हम इसको इसका पेस्ट बना देंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके. और फिर मैं आपको दिखाती हूँ. ठीक है, तो गाइस ये बन चुका है हमारा पेस्ट. और अब हम डालने वाले हैं हमारी कढ़ाई के अंदर. सो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून. एंड देन वी विल पुट आवर पेस्ट इनसाइड. अच्छी दिवाली गाइस. तो मैं सबके फोन से अपना चैनल सब्सक्राइब करवा रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं. तो ये देखो मैं सबके फोन लेके सब्सक्राइब कर रही हूँ, सबको वीडियो देखने के लिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन. लेट्स सी.
पहले आने दो, लोड होने दो। गाइस अब हमने इसमें एंड में डाला है कोकोनट मिल्क, जब हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। आओ इसको दिखाओ, ये देखो। अब हम इसमें डालने वाले हैं सारी वेजिटेबल्स एक साथ, ताकि थाई ग्रीन करी में वेजिटेबल्स आ जाए थोड़ा सा इसको भुनने के बाद। ओके गाइस, तो अब हमने जब से इसमें कोकोनट मिल्क डाला है, इसका स्मेल इतना अच्छा हो गया है, आई कांट इवन टेल यू। आओ आप दिखाओ ये क्या इसका टेक्सचर आ रहा है गाइज, और क्या इसका स्मेल आ रहा है। अभी तक मैंने टेस्ट नहीं करा है, बट आई एम डैम श्योर कि बहुत टेस्टी बनने वाला है। ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द वेजिटेबल्स। धीरे धीरे करके हम सारी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे और फिर इसको हम देंगे एक अच्छा सा मिक्स। गाइज अब देखो आप इसका टेक्सचर, हमने डाल दी है इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स, देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर टोफू। टोफू थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा बचा है, तो ये होता है टोफू। और अब हम डालने वाले हैं टोफू को इसके अंदर, बस अब उस। आज हमारे 2 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए हैं। मधु भैया आपको कैसा लग रहा है कि हमने YouTube पर 20 लाख व्यूज क्रॉस कर दिए हैं? 20 लाख लोगों ने हमारा वीडियो देखा है, आपको कैसा लग रहा है? विद्या भैया आपको कैसा लग रहा है, कल थे 10 लाख लोग, आज हो गए 20 लाख लोग? अच्छा लग रहा है। तो गाइज आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहो और आप जल्दी से 50 लाख व्यूज कर दो।